तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, इस वाले वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार इसमें हम ना रैंडम्स के साथ खेल रहे हैं, और इसमें पांच जो है हम पांचों ने ऑलराउंडर ले रखा है भाई। रैंडम में पहले ये इसमें से जो तीन रैंडम थे इन्होंने ऑलराउंडर चूज़ करा था, तो मैं सोचा कि मैं डिफेंडर ले लूँ, लेकिन यार जब चौथे बंदे ने भी ऑलराउंडर ले लिया तब मैं समझ गया कि भाई ये लोग ओनली ऑलराउंडर गेम प्ले खेलना चाहते हैं। तो मैंने ही भाई ऑलराउंडर ले लिया, और यहाँ पर हम सभी ऑलराउंडर गेम प्ले खेल रहे। ऊपर लुकारियो और मैं सरीना आ रखी है, और हमारा जंगल फार्म कर रहे हैं ड्रैगोनाइट, और नीचे मचम और चारिजार्ड नीचे गए हैं। और यहाँ पर भाई मैं स्टैक करने के लिए गया था और मुझे मार दिया जाता है, इसका बदला लिया जाएगा भाई। हम फिर से जा रहे हैं भाई, फिर से हम करेंगे स्टैक भाई। स्टैक कंप्लीट होगा तभी अपना अटैक वेट बढ़ेगा। अटैक वेट लगाया तो यार उसको यूज़ भी करना है। और यहाँ पे भाई उनके ओपोनेंट हमारे गोल पे आके गोल डाल रहे थे भाई, तो अब इनको पकड़ लेते, क्योंकि भाई बदला भी लेना है, क्योंकि इन्होंने भी भाई मुझे मार था, एक भी स्टैक नहीं करने दिया था भाई, दोनों ने मिल के मार था भाई। बल्कि कितना कम का मेरे को गोल डालना था लेकिन डालने नहीं दिया था। तो भाई ये टैलो तो पिटने वाली है, टैलो भाई गई। और लुकारियो और गेबाइट को ले जाता है भाई, वहाँ पर लुकारियो ले गया एक को, मैं ले गया एक को, और यहाँ पे हमने 11 का स्कोर भी डाल दिया। अब चलो भाई 20 लेते हैं। लो भाई लुकारियो ने 20 भी ले ली, मुझे भी कुछ मिली, 6 बॉल्स मुझे मिली है भाई। दूसरा स्टैक कर लेते हैं, ये अपना दूसरा स्टैक भी हो गया। और गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इससे सरीना से क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि सरीना को तो नर्फ मिल चुका है। तो मैं सरीना में ट्रिपल एक्सल को नर्फ मिला था यार, बल्कि इसके स्टॉम्प को बफ मिला था, तो मैं इसमें स्टॉम्प और ड्रॉप किक यूज़ करने वाला हूँ। और ये गेम प्ले थोड़ा पुराना है यार, मतलब मैं ये गेम प्ले डालने वाला था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का, इस वजह से मैं ये गेम प्ले डाल नहीं पाया। वैसे ये गेम प्ले बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इसको डालने वाला था, इसी चक्कर में टाइम ना मिलने के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था। यहाँ पर मैं मिड फार्म कर लेता हूँ भाई, एक बार सरीना लेवल 6 हो जाए तो उसकी असली पावर आती है। और भाई जो स्टॉम्प है ना, स्टॉम्प को अगर कॉम्बो के साथ आप लोग मारोगे भाई गलता डैमेज देता है। लो भाई हमारे यहाँ स्कोर शील्ड भी लग रखा है, अटैक रेट स्कोर शील्ड लग रखा है यहाँ पे। तो भाई स्कोर डाल देते हैं और गेंगार से बच के आ जाते हैं। और ये वाला भी ऑडिनो ले लेते हैं यार, देखो भाई ये भी ऑडिनो ले लिया, बच गया भाई, नहीं ले पाया यार, नहीं ले पाए भाई। ये चारिजार्ड की जो अटैक है फ्लेम वाला भाई स्टील कर लेता है यार, ये फ्लेम वहीं पर घूमती रहती है यार, और हम जितना ये मारे क्योंकि एंड में तो उसी का हिट लगना है भाई, जब तक वो फ्लेम वहाँ पर रहेगी एंड में उसका हिट लगना है। अब यहाँ पे भाई अपने दोनों वो आ चुके हैं, ड्रॉप किक और स्टॉम्प। पहले ड्रॉप किक चला के बेसिक अटैक चलाओ और फिर उसके बाद स्टॉम्प चलाओ। ये देखो एक बार दो बार, दो बार स्टॉम्प लगा, नहीं तो ऐसे अगर तुम कॉम्बो नहीं बनाओगे तो एक ही बार स्टॉम्प यूज़ कर पाओगे। और भाई हमारे बेस पे उनका 4000 गोल्ड डाल दिया, उसने डाल दिया, हम भी डालेंगे भाई, अब हम भी 13 का गोल्ड डालेंगे। ओके यार स्टैक करना जो ही है, छोटे छोटे गोली डालो तो भी भाई इजीली स्टैक कर पाओगे, नहीं तो ऐसे स्टैक नहीं हो पाएगा। अब भाई ये दोनों पीटे, ये दोनों पिटने वाले भाई, स्लो स्मोक चल गया, अब ये पिटेगा भाई। स्टॉम का डैमेज देख रहे हैं, स्टॉम का डैमेज देख, ओ भाई यार ये बच के चला गया भाई। ये हैक्स ना भाई, ये गली गलत चीज़ है यार, ये हैक्स से बच के भाग जाते हैं भाई। वो देखो ही लो करके आ गया, ये नीचे यहाँ हमारा ड्रेड भी आ गया भाई, हमें ड्रेड भी लेना है। चलो मेरे साथ नीचे इधर माचोक है, हम और माचोक मिल के ले सकते ड्रेड। चलो देखते हैं, पहले ये ऑडिनो ले ले भाई, लेवल अप रहेगा तो बढ़िया रहेगा, और क्या होता है यूनाइट भी खुल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा भाई। नीचे देखो भाई ये 4 मिलियन नीचे ही घूम रहा है भाई। भाई इसके यार ये जो इसका वो आया है बफ आया यार, इसमें ये मूव करते करते अटैक कर सकते, ये बड़ा गंदा लगता है भाई। मैंने यहाँ पे यार ग्रासी ग्लाइड की जगह गलती से ड्रॉप किक ले लिया भाई, वाह भाई। मैं अब जाके नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने ग्रासी ग्लाइड की जगह यहाँ पर ड्रॉप किक ले लिया है, जो कि मैं यूज़ नहीं करता भाई। मैं स्टॉम्प यूज़ करूँ या फिर ट्रिपल एक्सल, मैं ग्रासी ग्लाइड यूज़ ही नहीं करता था भाई। और यहाँ पे अपना यूनाइट भी खुल गया भाई, भाई हम सबका लेवल तगड़ा हो गया भाई, हम सबका लेवल तगड़ा हो गया। वो देखो ड्रैगनाइट भी अपना बन गया है, इधर अपने 4000 भी बन चुका है, इधर मैं भी पूरा लेवल अप हो चुका हूँ, पूरी फुल फॉर्म में आ गया हूँ। इधर बस इसको माचम बनना बाकी, वैसे अच्छा खासा हम सबका लेवल हो चुका है, और इसके लेने के बाद ये शायद ये माचम भी बन जाएगा। मेरे तो यूनाइट भी खुल चुकी है। इधर हम लोग ड्रेड ले लेते हैं भाई, अभी कोई नहीं दिखता, ड्रेड ले लिया। यहाँ पे 20 आ गए, 20 भी ले लिया भाई, 20 पे 4000 ने पहले भाई इसने यूनाइट चला दिया भाई, भूत ने यूनाइट चला दिया। लो भाई हमारे माचम भी बन गया था, हमने ड्रेड लिया था तो भाई ये माचम बन गया, और इसकी भी यूनाइट खुल गई। गया गेंगार गया, तो हम जा रहे ऊपर गोल डालने भाई, ऊपर का दोनों गोल तोड़ दिया ऊपर का भाई, हमारे टीममेट ने दोनों गोल तोड़ दिया। इनके माचम ने यूनाइट चला बट मिस हो गया, लगा नहीं। अब मैंने भी यूनाइट चला दिया, क्योंकि भाई मैं मर जाता, यूनाइट नहीं चलाता तो सीधी सी बात है मैं मरने वाला था।
भाई इसको सोचता है कि यार इसको मार दूँ, लेकिन यार गैंगार भी आ जाता है। अब बस यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लो भाई देखो, पहली गलती इस गेम की मैंने यहाँ पे कर दी। मुझे लगा कि मैं जंप पैड पे खड़ा हूँ भाई, लेकिन मैं जंप पैड पे खड़ा नहीं रहता हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉप किक चलाया रहता है, तो मुझे पता था कि वो आने में उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं जंप पैड से कूद के दूसरी साइड चला जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ। ये पहली गलती थी। अभी आगे देखना, एक और सेम गलती मैंने की है यहाँ पर, यही सेम गलती आगे आपको अभी दिखाऊँगा। यहाँ पे भाई हमने जंगल में घुस के है, जंगल कर लेते हैं भाई। जितना बढ़िया लेवल रहेगा आपका, उतनी ज़्यादा ओपोनेंट टीम की पिटाई भी होगी। लो भाई यहाँ पे भी ले लिया इन्होंने। हाँ भाई इन्होंने यहाँ पे भी रोटम ले लिया। अब हम रोटम यार अगर मेन पे पुश कर दे भाई, अगर मेन पे कुछ गोल्ड डल जाए भाई बहुत अच्छी लीड रहेगी हमारे पास। अगर ये वाला रोटम पुश कर देता तो भाई बहुत अच्छी लीड हो जाएगी अपने पास। मेरा यूनाइट भी 93-94% चार्ज है। और ये लो स्टॉर्म का डैमेज देखो भाई, भाई स्टॉर्म का डैमेज देख रहे हो। यहाँ पर चारिज़ार्ड ने यूनाइट चला दिया भाई। चारिज़ार्ड के यूनाइट चलाने के बाद भाई वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि यार कैसे भी कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता भाई। हेल्थ कम थी क्योंकि यार वो बेस पे रह के मार रहे हैं, वो साथ ही साथ हील भी होता जा रहा है, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं था वहाँ पे फाइट लेने का। और फिर उसके और भी टीम मेट यार रिकवर होकर के आ जाते हैं, फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे नीचे कॉल आती है कि नीचे आओ ड्रेड लेना है। मैं सोचता हूँ कि यार ये ले लेते फिर उसके बाद, लेकिन यार गैंगर चुरा लेता है भाई। मैंने लो करा रहता है 20 को, लेकिन गैंगर चुरा के ले जाता है। तो हम वापस बेस चलते हैं क्योंकि भाई एच पी रिकवर हो जाए। बिना एच पी रिकवर के फाइट लेंगे तो भाई गैंगर ईजिली मार देगा हैक से अपने। और फिर मैं नीचे कहता हूँ कि गाइस नीचे आ जाओ, नीचे लेते हैं। अरे यार एक बात है कि रैंडम बढ़िया थे भाई, मतलब कॉल दो तो वो समझ जाते थे कि हाँ कहाँ रोटेट करना है, कब ऑब्जेक्टिव लेना है, वो समझ जाते थे। और भाई यहाँ पे तीन तीन आ गए। लो भाई तीन तीन आ गए, मेरी यूनाइट भी चार्ज नहीं है। अब देखो क्या होता है भाई। गया मैं भाई, उन्होंने मार दिया यार मेरे को भाई। बदला निकाल लेते भाई क्योंकि भाई उनको गंदा डोमिनेट कर रहे थे हम, इसलिए बदला निकाल लेते भाई। भाई यहाँ पे ड्रेड तो अभी हमने लिया नहीं, मैं सोचा चलो यार रोटम ही ले लेते। ड्रेड ले लिया भाई, अपोजिंग टीम ने ले लिया। कम से कम यार रोटम पुश कर दे। 15 मिनट है, 15 मिनट कह रहा हूँ, 15 सेकेंड है हमारे पास। ले ले चलो भाई, लुकारियो आ गया अपने हाथ बटाने। अब लुकारियो और मैं हम मिल के ले ही लेंगे। 5 सेकेंड बचे, 4, 3, 2 ले लिया भाई, ले लिया एंड मोमेंट पर ले लिया। टेलो की यूनाइट वेस्ट। अब टेलो यहाँ पर पिटेगी भाई, टेलो यहाँ पर पिटने वाली है भाई। एच पी बहुत लो कर दी थी, लेकिन टेलो भाई पिटे यहाँ पर। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मैंने सोचा भाई लुकारियों के पिटने तो कम से कम कोई एक तो बचेगा यार, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे भाई। मैं यहाँ निकल लेता हूँ और उसके बाद फिर हम सेंटर में चले जाते हैं जैपडोस लेने के लिए, क्योंकि यार ये वाली स्ट्रेटजी बढ़िया होती है। एंड में अगर तुम रोटम पुश कर देते हो ना, तो भाई अपने चांसेस है कि यार या तो रोटम टच हो जाएगा या फिर हम जैपडोस ले सकते। तो भाई वो लोग रोटम को डिफेंड कर रहे थे, मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं जैपडोस को डैमेज देने लगता हूँ। और चारिज़ार्ड भी समझ जाता है भाई, चारिज़ार्ड मेरे को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है नीचे। इधर माचम वर्सेस माचम चल रहा है भाई, हमारे माचम वर्सेस ओपोनेंट के माचम। हम इधर आते भाई, यहाँ पर इनको पता चल जाता है कि भाई ये लोग ले रहे हैं, लेकिन यार नहीं ले पाते, हम ले लेते फाइनली। और यहाँ पे मैं गैंगार पे यूनाइट चला आता हूँ, जिससे कि मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ जाए कि यार कम से कम अगर ये रोके भी तो मैं आसानी से गोल डाल सकूँ तेज़ भाग के। यहाँ पे गोल डाल देते हैं भाई। भाई हमारे पास ह्यूज लीड है, ये देखो भाई काफ़ी। भाई हमने शुरू से ही लीड बना कर रखी थी। तो भाई उनका मैचम भाई 50 का डाल रहे हैं, मतलब 100 का गोल डाल रहे हैं। यहाँ पे 11 गोल और आ गए, मतलब 22 और डल जाएंगे। और भाई जितना हो सके भाई हम गोल डाले जा रहे थे, तुम भी डालो हम भी डालेंगे, क्योंकि भाई हमने जैपडोस ले रखा था भाई। यहाँ पे गैंगर पीछा कर रहा है, गैंगर भाई पीछा कर रहा है मारने के लिए भाई, पूरी कोशिश करता है मेरे को मारने के लिए। ये देखो अभी गैंगर के साथ देखना क्या स्कैम होगा। गैंगर पूरी कोशिश करता है, मैं इसको भगाता हूँ। अब मैं आगे चला जाऊँगा, देखना अभी भाई। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, गैंगर मेरे को सोलो मार देता, लेकिन यहाँ पे भाई माचेम आ गया था, माचेम ने बचा लिया और गैंगर गया भाई। यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं सोचा थोड़ी और बॉल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा यूनाइट चार्ज होने वाला था। और कोई आता तो मैं यूनाइट चला देता, लेकिन भाई 8-7 सेकेंड बचे, यही फ़ायदा नहीं था। अब भाई यूनाइट भी चार्ज हो गई, लेकिन अब फ़ायदा ही क्या है। थोड़ा सा पहले और यूनाइट चार्ज हो जाता तो हम आगे जाके गोल डालने का ट्राई कर सकते थे। चलो अब स्कोर देख लेते हैं भाई, स्कोर क्या हुआ है। मैच काफ़ी मज़ेदार गया था भाई, क्योंकि ओनली ऑलराउंडर गेम प्ले भाई, ना हमारे पास सपोर्ट था ना कुछ डिफेंस था भाई। स्कोर अपना 613 और ओपोनेंट का है 467 भाई। एमवीपी भी बन गए भाई हम। लो भाई
एमवीपी बन गए भाई। वैसे सब ने बढ़िया खेला यार हमारी टीम। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।